निवासी गैंगस्टर विकास दुबे पे बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर से जुड़ी खबरें और क्या है खास इस ट्रेलर में, आइए जानते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे पे बनी फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर जारी। गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का शीर्षक प्रकाश दुबे कानपुर वाला है, जिसे गोल्डन बर्ड पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की तरह नजर आने वाले अभिनेता प्रमोद विक्रम सिंह फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। एक और गैंगस्टर अमर दुबे, जिसे फिल्म में समर के नाम से दिखाया जाएगा, उसका भी ट्रेलर में महत्वपूर्ण उपस्थिति दिखाई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर में नजर आता है कि अमर दुबे और विकास दुबे की हत्या होती है, ना कि वे कथित मुठभेड़ में मरते हैं। फिल्म को आकाश सिंह गहरवार ने निर्देशित किया है। इससे पहले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने कहा था कि वह गैंगस्टर के जीवन पर एक वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे। बता दें कि कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरू गांव में गत 2-3 जुलाई की रात को विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर गोलियां दागी गई थी। इस हमले में बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 6 अन्य जख्मी हो गए थे। मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे गत 10 जुलाई को कानपुर के बाहरी इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुई कथित मुठभेड़ में उस समय मारा गया था जब उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। ऐसी ही ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू।